हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है सुमन किचन में आपका। फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं हरे चने की सब्ज़ी। तो चलिए देख लेते हैं इसे कैसे बनाएंगे और क्या क्या चाहिए इसे बनाने के लिए। तो यहाँ पे एक कटोरी हमने लिया है हरा चना और एक कटोरी हमने फेटा हुआ दही लिया है, बारीक कटा हुआ हरी मिर्च और बारीक कटा हुआ प्याज और अदरक लहसुन का पेस्ट। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गैस ऑन करके कढ़ाई रख दिया है मैंने और इसमें 4 से 5 टेबल स्पून तेल डालेंगे, गरम होने देंगे। उसके बाद से इसमें 2 से 3 पिंच हम हींग डाल रहे हैं और 1/2 टेबल स्पून इसमें हम जीरा डालेंगे। थोड़ा सा इसमें हम गरम मसाले के टुकड़े डाल देंगे, ऑप्शनल हैं, आप अपने हिसाब से डालें या अवॉइड कर दें। ये इसे भूनने के बाद इसमें हम बारीक कटा हुआ प्याज ऐड करेंगे और ये प्याज, 2 प्याज हमने लिया है मीडियम साइज़ के और इस तरीके से बारीक कट कर लिया है। तो इसे चलाते हुए हमें गोल्डन ब्राउन भुनना है प्याज को। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से हमें चलाते हुए इसे फ्राई करना है। ये सॉफ्ट होने लग गया है प्याज, थोड़ी देर के लिए और भुनेंगे। ये आप देख सकते हैं लाइट ब्राउन हो चुका है। अब इसमें बारीक कटी हुई जो 2 हरी मिर्च हमने ली थी उसे भी ऐड कर दिया हमने और प्याज के साथ इसे भी भून लेंगे। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल भून चुका है प्याज। अब इसमें हम मसाले ऐड करेंगे। तो यहाँ पे 1 चम्मच हम धनिया पाउडर डाल रहे हैं, 1/4 टेबल स्पून हल्दी पाउडर और 1/2 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर हम डालेंगे और इसे आधे मिनट के लिए हम भून लेंगे चलाते हुए। और यहाँ पे हमें गैस का फ्लेम बिल्कुल लो कर देना है, नहीं तो मसाले जलने लग जाएंगे। तो ये आधे मिनट भूनने के बाद 1/2 टेबल स्पून जीरा पाउडर हम इसमें ऐड कर रहे हैं और इसे भी भून लेंगे। अब यहाँ पे हम ऐड कर देंगे दही। ये फिटा हुआ 1 कटोरी जो दही हमने लिया है उसे ऐड कर देंगे और यहाँ पे लो मीडियम फ्लेम पे हमें कंटिन्यू चलाते हुए इसे भूनना है और एक बॉयल आने तक हम इसे भूनेंगे चलाते हुए। यहाँ पे हम इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट इसी के साथ दही के साथ ही ऐड कर देंगे और उसे भी हम दही के साथ भून लेंगे। तो यहाँ पे ऐड कर दिया है अदरक और लहसुन का पेस्ट और इसे हम इस तरीके से कंटिन्यू चलाते हुए बॉयल आने का वेट करेंगे। तो आप देख सकते हैं उबाल आ चुका है इसमें। अब यहाँ पे हम डालेंगे 1/2 टेबल स्पून कस्तूरी मेथी और इस तरीके से मिक्स कर लेंगे इसे। और यहाँ पे अब चना, जो हरा चना हमने लिया है इसे छोलिया भी बोलते हैं, इसको ऐड कर देंगे इस तरीके से। और इस चने को हमें 2 मिनट तक चलाते हुए भूनना है मसालों के साथ। उसके बाद हम इसमें पानी ऐड करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने अच्छा से मसालों के साथ चने को भून लिया है। यहाँ पे 1/2 कप हम पानी ऐड कर रहे हैं। फ्रेंड्स, आप यहाँ पर अपने हिसाब से जैसा ग्रेवी आपको पसंद है उस तरीके से पानी ऐड करें। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने ऐड कर दिया है पानी। अब इसे ढक कर के लो टू मीडियम फ्लेम पे हमें 10 मिनट तक कुक करना है। तो यहाँ पे हम कवर करके इसे छोड़ देंगे। तो चलिए 10 मिनट बाद हम इसे चेक करते हैं। बीच बीच में हम इसे चलाए भी हैं, आप बीच बीच में इसे चला भी लें। और आप देख सकते हैं यहाँ पर बिल्कुल बन के रेडी है। ये देखिए, इस तरीके का ग्रेवी हमें चाहिए। आप यदि ज़्यादा ग्रेवी पसंद करते हैं तो और पानी इसमें डालकर ग्रेवी और ज़्यादा कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे अब हम ऐड कर देंगे नमक टेस्ट के हिसाब से। नमक लास्ट में ही ऐड करें। तो हमने यहाँ पे 1/2 टेबल स्पून नमक ऐड कर दिया है और थोड़ा सा हमने इसमें गरम मसाला ऐड किया है और बारीक कटा हुआ हरा धनिया हम डालेंगे और इसे आधे मिनट के लिए और पका लेंगे चला करके। तो आप देख सकते हैं हरा धनिया भी हमने इसमें ऐड कर दिया है। अब चलाकर आधे मिनट इसे पकाने के बाद हम गैस को ऑफ कर देंगे। सब्ज़ी बनकर बिल्कुल रेडी है। तो चलिए इसे अब हम सर्व कर लेते हैं, गैस को ऑफ कर देते हैं। तो आपने देखा ये दही हरे चने की छौंक कितनी जल्दी बन के तैयार हो चुकी है और बहुत ही टेस्टी बनता है। और इसे आप पूड़ी पराठे किसी भी चीज़ के साथ सर्व करें। और हम इस रेसिपी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें और वीडियो वॉच करने के लिए थैंक यू।